ये गाइस, तो ये आपकी भी स्किन ड्राई है तो आपने सबसे पहले यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ हनी। हनी को अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करना है, मसाज करना है एंड जो स्किन में आपके बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया वो भी यहाँ पे मर जाते हैं, मतलब कि स्किन को हमारे अच्छा करता है एंड खून को भी साफ करता है। ड्राई स्किन से परेशान है तो मैंने आपको बता दिया है, ये मॉइस्चराइज करेगा। फर्स्ट स्टेप ये है हमारा, हमें ऐसे 20 से 25 सेकंड 30 सेकंड तक अच्छे से मसाज कर लेनी है। एक मिनट भी करेंगे तो चलेगा, मतलब स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाना चाहिए। फिर ये सेकंड मैंने फेस वॉश कर लिया, सेकंड स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे पानी गर्म कर लिया है। सेकंड स्टेप हमारा है, हमें स्टीम लेना है। स्टीम कुछ इस तरीके से लेना है, टॉवल की हेल्प से मैंने फेस को कवर कर लिया है, नीचे जो वो बर्तन है जिसमें पानी गर्म है तो स्टीम 3 से 4 बार लेना है। 3 से 4 टाइम्स ऐसे स्टीम हमने ले लेनी है जिस तरीके से मैंने ली है। एंड जो फोर्थ स्टेप है वहाँ पे मैंने ये सेफ्टी पिन, जो हमारे सेफ्टी पिन नहीं है ये बॉब पिन है जो कि बालों में हम यूज़ करते हैं, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे ब्लैकहेड्स रिमूव कर रही हूँ और इससे अच्छे तरीके से ब्लैकहेड्स एंड वाइट हेड्स दोनों ही रिमूव होंगे, तो ये केयरफुली करना ताकि ज़्यादा हार्श भी ना हो। तो इस तरीके से कुछ मैंने भी रिमूव किया और ये वाकई इससे जो है रिमूव हो रहा था। और ये मतलब परमानेंट तो नहीं जाएंगे बट हाँ, ये अब जो हम जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेप करने वाले हैं, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ, उससे काफ़ी हद तक ये होगा कि सो ये आपको बड़ी केयरफुली करना है रिमूव। ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो मतलब पक्का करना ही आपको। एंड ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से निकल गया था। स्किन केयर करते रहना चाहिए, समर का टाइम है, बहुत ही ज़्यादा ही फेस पर टैन हो रहा है तो ये मेरा काफ़ी, मैं यहाँ पर फील कर रही थी कि काफ़ी हद तक फेस क्लीन हुआ है। एंड यहाँ पे हमने अब ले लेना है ये शुगर पाउडर है, घर में चीनी को मैंने पीस लिया था, उसमें मैं एलोवेरा जेल मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो रॉ मिल्क भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, खीरे का जूस भी ले सकते हैं एंड साथ में इसमें मैंने हल्दी मिक्स कर ली थी बिकॉज हल्दी से ना काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प मिलती है जो हमारी पिगमेंटेशन होती है उसको रिमूव करने में। तो लिप के एरिया पे भी मेरे काफ़ी जल्दी जल्दी पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन केयर करने के बाद भी, तो ये मैं हल्दी का यूज़ इसलिए ही करती हूँ ताकि इससे ना पिगमेंटेशन पे ना जल्दी मतलब रिलीफ होता है कि हाँ ये इफ़ेक्ट कर रही है, काम कर रही है फेस पे। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है, इससे मसाज करनी है 2 से 4 मिनट। ये नेक पे भी मैंने अप्लाई कर लिया, आप चाहे तो आपके बॉडी के जिस भी पार्ट पे आपको अप्लाई करना आप कर सकते हैं, जिस भी पार्ट से मीन कि आपका बैक का जो नेक का एरिया है उस पर भी कर सकते हैं, हाथ पे भी कर सकते हैं और जो ये हमारे पैरों में भी ब्लैक हो जाते हैं गर्मी के टाइम में धूल मिट्टी की वजह से, तो आप यहाँ पे वहाँ पे भी लगा के ये मसाज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से, चीनी को बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, थोड़ा सा हार्श होना चाहिए जिससे कि मसाज करने में जो स्क्रबिंग की तरह हमें मसाज करनी है, तो यहाँ पे जो अच्छे से अंदर से ही डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव हो। तो ये मैंने यहाँ पे स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है, आप जेंटली आराम आराम से मसाज करना जिस एरिया पे आपके ज़्यादा ही पैचेस हैं और डार्क है तो वहाँ पे आपने थोड़ा स्लोली अच्छे से सर्कुलेट करके करना है। यहाँ पे ये मैंने वॉश कर लिया है एंड ये फोर्थ स्टेप है, आइस क्यूब ली है मैंने, आइस क्यूब से भी हमने यहाँ पे मसाज करनी है जहाँ जहाँ से ब्लैक हेड्स रिमूव किए हैं। तो ये नोज़ का एरिया है, बाकी पूरे फेस पे अप्लाई करना है बट जो ये आपका नोज़ का एरिया, चिन का एरिया यहाँ पे तो अच्छे से करना ही है, तो 1 से 2 आइस क्यूब आप लगा सकते हैं जिस तरीके से मैं मसाज कर रही हूँ। आइस क्यूब लगाने से जो ये है ना ओपन पोर्स जो हमारे लूज हुए थे, जो खुल गए थे, वो मतलब कि ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे तो वो नॉर्मल हो जाएंगे जैसे थे पहले। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही करना है। एंड वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और मैं चाहती हूँ ये वीडियो यूज़फुल हो आप सभी के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। एंड ये लास्ट है कि फेस को मॉइस्चराइज कर लेना है कि आइस क्यूब रब करने के बाद, यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई कर लिया है। आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, आपका जो भी है पर्सनल है, आप जो डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं आप वो लगाएं, और जिस तरीके से रिज़ल्ट है अच्छा है काफ़ी।